चैनल आशा करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे स्वस्थ होंगे तो बस सुबह का टाइम है मेरा सुबह का जो मॉर्निंग ड्रिंक है वो मैंने चालीस मिनट पहले ही पी लिया था चालीस मिनट के बाद ही जो मैं चाय नाश्ता करती हूँ तो बस यहाँ पर चाय भी हो चुकी है और नाश्ते में मैं खा रही हूँ तले हुए थेपले जो बिल्कुल टेस्ट उसका जो है पूरी जैसा ही लगता है तो बस आप देख सकते जो थेपले बच जाते मैं इस तरीके से तल देती हूँ तो नाश्ते में चल जाता है तो बस चाय भी रेडी है मेरी तो बस आराम से बैठ कर करूँगी चाय नाश्ता तो तो ये बिस्किट मैं कल डीमार्ट में से लाई हूँ तो बस पैकेट में से मैंने एक निकाल लिया है तो ये है मेरा आज का नाश्ता तो बस नाश्ता भी हो चुका है तो ये कपड़े है वो मैं आज भूल गई थी मशीन में डालने के लिए वरना मैं पहले ही डाल देती हूँ तो कभी कभी रह जाता है और ये सारी जो चीज़ें हैं कल डीमार्ट में से लाई हूँ तो बस ऐसे ही रख दी थी तो मैं बैग लेना भूल गई थी तो गाड़ी में सारा सामान रख दिया था। तो इस बार मैंने डीमार्ट में से बैग नहीं खरीदी फिर बहुत सारी बैग इस तरीके से हो जाती है घर में डीमार्ट की तो बस ऐसे ही सामान रख दिया था तो ये सारी चीजें मैंने खरीदी है तो मैं आपको दिखाती हूँ तो सारा सामान यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर रख दिया है उसके बाद मैं अरेंज करूंगी तो यहाँ पर दो पैकेट गार्लिक ब्रेड है वो लिए है ये टिश्यू पेपर वो लिया है एक फाइल है वो खरीद ली है एक तो है मेरे पास लेकिन एक और की जरूरत थी तो वो खरीद ली है तो बस इसको रखते है साइड में तो ये पोटैटो के बिस्किट है जो मेरे बेटे को बहुत ही पसंद है तो उसने खरीदे कुछ जो चिप्स वगैरह वो कुरकुरे खरीदे हैं तो ये बिस्किट है जो मैं खा रही थी इसमें से मैंने निकाला था तो बहुत ही टेस्टी है तो ये वाले बिस्किट्स जो है वो मेरे हस्बैंड को बहुत ही पसंद है और ये लिटल हार्ट जो मेरे फेवरेट है तो इस तरीके से कुछ सामान खरीदा है यहाँ पर आप देख सकते कस्तूरी मेथी है दो पाउच एरियल के लिए है तो यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स कुछ कैंडीज खरीदी तो ये मेरे बेटे ने खरीदी है यहाँ पर चीज रखा हुआ है तो इसके बाजू में भी ये बाय वन गेट वन फ्री था लिटल हार्ट तो मैंने दो लिया है तो खट्टा अचार है जो वो ले लिया है तो ले ली है कैनबेरीज जो मुझे बहुत पसंद है तो बस इस तरीके से जब भी मैं डिमार्ट जाती हूँ तो खरीद ही लेती हूँ और मुझे ब्लैकबेरी भी ख़रीदना था लेकिन वो नहीं था तो फिर मैंने ब्लूबेरी था वो ले लिया तो बस इतनी छोटी मोटी चीज़ें ली है ज़्यादा कुछ नहीं लिया है तो बस ऐसे ही घूमने गए थे तो बस थोड़ा बहुत ही चीज़ें ली है तो ये सारी चीजें उसको मैं अरेंज कर देती हूँ उसकी जगह पर तो बस एरियल है वो मैं बाहर की तरफ रख दूँगी सारे बिस्किट्स है उसको भी मैं अंदर की तरफ रख दूंगी तो बस कभी कभार इस तरीके से हम चले जाते हैं तो बस कुछ अच्छा लगता है तो मैं ले लेती हूँ तो बस सारी चीजें इसको मैं रख देती हूँ तो ये सारी चीजें जो है ये फ्रिज में जाएगी तो कैनबेरीज ब्लूबेरीज़, कैंडीज ये सारी ऊपर में रख दूंगी फ्रिज में और चीज़ें वो भी मैं फ्रिज में रख दूंगी तो ये फाइल है उसमें से लेबल निकाल देते हैं ये मैंने वन ट्वेंटी नाइन रुपीज की ली है तो बस बहुत ही अच्छी थी मुझे पसंद आ गई तो ले ली तो ये पर्स को भी मैं खाली कर लूंगी कल मैं लेकर गई थी इसके अंदर बिल पड़ा हुआ है जो छोटा पर्स है वो भी मैंने निकाल दिया है और बेल्ट है वो भी इसके अंदर रह गया ये हमने वन सेंटर में से खरीदा था वन फिफ्टी नाइन रुपीज़ का आप देख सकते हैं उसके ऊपर प्राइस लिखी हुई है तो बस यहाँ पर और कुछ ज़्यादा शॉपिंग नहीं की थी सारी चीज़ें पड़ी है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत घूमने गए थे तो ले लिया तो सारी चीज़ों को अरेंज कर दिया उसके बाद आ चुकी हूँ बेडरूम में अब जो मॉर्निंग का रूटीन है वो स्टार्ट करते हैं घर का काम सुबह का तो बस यहाँ पर दरवाजा है वो भी मैंने खोल दिया है ताकि अच्छी हवा आए एयर पास हो तो बस सुबह के टाइम सबसे पहले मैं दरवाज़ा खोल ही देती हूँ उसके बाद जो बेड है वो भी मैंने अच्छे से सेट से कर दिया है और बेडरूम में डस्टिंग क्लीनिंग भी कर दी है उसके बाद बारी आती है झाड़ू लगाने की तो बस बेडरूम से ही मैं स्टार्ट करती हूँ झाड़ू लगाना तो बस इसी तरीके से कुछ मेरा डेली का रूटीन रहता है तो सबसे पहले मैं बेडरूम है उसको ही क्लीन करती हूँ साफ़ करती हूँ तो बस इस तरीके से ही जो घर का काम है उसको मैं मैनेज करती हूँ जितना हो सके उतना मैं सुबह के टाइम ही जो काम है उसको निपटा देती हूँ ताकि दोपहर के बाद फिर घर का कोई भी काम ना रहे अपने लिए हम समय निकाल सके तो शाम के टाइम मुझे वॉक करने जाना हो सब्ज़ी खरीदने जाना हो कहीं पर बाहर और कुछ काम हो तो मैं जा सकूँ तो जितना हो सकता है मैं चाहती हूँ कि सुबह के टाइम ही मैं सारे काम निपटा दूँ तो पूरे घर में झाड़ू लगा दिया है बाहर आंगन में भी सफाई कर दी उसके बाद बारी आती है पोछा लगाने की तो वो भी मैं बेडरूम से ही स्टार्ट करती हूँ तो बस आज मैं बैठ कर पोछा लगा रही हूँ मैं मोब से नहीं लगा रही हूँ तो बस हफ्ते में एक बार मैं इसी तरीके से बैठ कर ही पोछा लगाती उससे जो अच्छे से जो कोना कोना साफ़ हो जाता है कहीं पर भी गंदगी रही होती है तो फिर बैठ कर पोछा लगाते हैं तो अच्छे से सफाई क्लीनिंग हो जाती है तो बस पूरे घर में अच्छे से मैंने पोछा भी लगा दिया है आ चुकी हूँ बाहर तो बाहर आंगन में भी मैंने पोछा लगा दिया है तो बस आ चुकी हूँ मेरे बेडरूम में घर का सारा काम हो चुका है तो बस कुछ जब भी काम हो जाता है तो मैं एक्स्ट्रा काम निकालती हूँ तो आप देख सकते हैं निचले बहुत सारी जो धूल मिट्टी हो चुकी है तो बस यहाँ पर जो एक्स्ट्रा काम करना होता है तो मैं इसी तरीके से करती हूँ तो ये सारे चप्पल जूते ऐसे ही पड़े हैं तो बस सबको मैं देख रही हूँ अच्छे से क्लीन कर रही हूँ तो ये वाला जो स्टैंड है पूरा खाली कर दूंगी अब मैं वहाँ पर नहीं रखूंगी बहुत ही आड़े आ रहा था तो बस इसको मैं रख दूंगी बाहर जो रनिंग के जूते चप्पल है वो इसके अंदर रख दूंगी और जो सारे बॉक्स है इसको मैं खोल कर एक बार चेक कर दूंगी कई बार बहुत सारे जूते चप्पल हो जाते तो बॉक्स के अंदर होते तो फिर भूल जाते हो और यहाँ पर मैं थोड़ा सा गुस्सा भी हो रही थी मेरे हस्बैंड पर और मेरे बेटे पर कि इतने सारे जूते वगैरह पड़े हैं तो पहनते ही नहीं है तो आप देख सकते इतने पड़े हैं लेकिन पहनने का नाम ही नहीं लेते हैं तो मैं थोड़ा सा गुस्सा भी हो रही थी उसके ऊपर तो उसने इसमें से एक दो जोड़ी निकाल लिया बाहर पहनने के लिए तो बस इस तरीके से कुछ मीठी नोक चोक चलती रहती है तो यहाँ पर जो सारे मेरे हस्बैंड के और मेरे बेटे के हैं वो मैंने निकाले हैं अभी मेरा तो बाकी है निकालना तो वो भी मैं निकाल दूंगी ताकि अच्छे से मैं पूरा क्लीन कर सकूँ क्योंकि रोज़ के रोज ये जूते नहीं पहनने होते हैं तो जो बॉक्स है इसके ऊपर थोड़ी सी धूल आ ही जाती है तो सारे बॉक्स को अच्छे से मैं क्लीन कर दूंगी तो सारे चप्पल मैं यहाँ पर बाहर निकाल रही हूँ ताकि मुझे पता चले को कोई गंदी वगैरह चप्पल हो तो मैं क्लीन कर सकूँ और ये चप्पल मैंने सिर्फ एक बार ही पहनी है एक साल ऊपर हो चुका है तो मेरे बेटे की जनोई थी तब मैंने खरीदी थी और ये ब्लैक है ये मैंने मीशो में से मंगवाई है वो मैंने एक भी बार नहीं पहनी है और ये जो रेड कलर की मोजड़ी है वो मेरे हस्बैंड लेकर आए थे अहमदाबाद से और ये भी चप्पल आप देख सकते मैंने तीन चार बार ही पहनी है तो ये भी मैंने मीशो में से मंगवाई थी जो मैं दिखा रही हूँ तो सारी चप्पलें मोजड़ी कई ऐसी ही पड़ी है जो मैंने दो तीन दिन बार पहनी है और कोई कोई तो मैंने पहनी ही नहीं है इस तरीके से सारे जूते पड़े हैं तो सारे ये मेरे जूते हैं इसमें से जो ये मेरा पिंक वाला जो बूट है वो सबसे ज़्यादा महंगा है एडिडास का है बाकी तो इतने कोई महंगी नहीं है लेकिन ये सबसे ज़्यादा महंगे यही है तो बस यहाँ पर सारे हैं इसको मैं अच्छे से क्लीन कर दूँ तो ये रेड मोजड़ी मेरी बहुत ही फेवरेट है हिल्स वाली है पहले मैं इससे ट्रिपल हिल्स पहनती थी लेकिन मेरी तबीयत खराब हो गई थी उसके बाद से मैंने बहुत ही कम कर दी हिल्स पहनना तो ये भी आप देख सकते हैं बहुत पीछे की तरफ से ज़रा भी मैली नहीं है और इसके पीछे भी आप नंबर देख सकते हैं तो बस ये मैंने दो दो बार ही पहनी होगी शायद ऐसे ही पड़ी है सारे चप्पल तो बस अच्छे से मैं उसको क्लीन कर दूँगी साफ़ कर दूँगी तो बस इसी तरीके से मैं जब भी मेरा घर का काम हो जाता है तो मैं एक्स्ट्रा चीज़ें निकाल ही देती हूँ ताकि हमें पता भी चले कि कौन कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है कभी कभार हम रख कर भूल जाते हैं तो फिर चीज़ें फिर ख़राब हो जाती है चाहे कोई भी चीज़ हो तो बस इससे अच्छा है कि टाइम टू टाइम इसको हम अच्छे से याद कर कर साफ कर दे रख दे देख ले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शायद में मेरे हस्बैंड जो जूते निकाल रहे हैं क्योंकि मैं थोड़ी सी गुस्सा हो गई थी तो बाप बेटे दोनों ने निकाल लिए हैं तो सारे जूतों को अच्छे से क्लीन कर कर अरेंज कर दिया है तो सारे जूते के जो बॉक्स है यहाँ पर लगा रही हूँ ताकि जब भी मुझे ज़रूरत हो कहीं बाहर जाना हो तो आसानी से मैं निकाल सकूँ तो बस वहाँ पर वॉशरूम के पास जो रखा था वहाँ से मैंने हटा दिया है बहुत आड़े भी आ रहा था और फिर अच्छे से मैं क्लीनिंग भी वहाँ पर नहीं कर पा रही थी तो वहाँ से मैंने हटा दिया है तो सारे जूते उसको मैं यहाँ पर रख रही हूँ एक या दो बॉक्स नहीं आए इसको मैंने नीचे की तरफ रख दिया है इस तरीके से कुछ मैंने अरेंज कर दिया है तो वॉशरूम के पास भी अभी मुझे पूरा क्लीन करना है जो नहाते हैं सावर लेते तो पानी बाहर की तरफ आता है तो आप देख सकते पूरा वहाँ पर कचरा मिट्टी जम जाता है तो इसीलिए सूर्ख को मैंने वहाँ से हटा दिया है और ये वॉशरूम जो है बहुत ही हम कम इस्तेमाल करते हैं इसीलिए वहाँ पर रखा था वरना मैं नहीं रखती हूँ क्योंकि हम यूज़ बहुत ही कम कभी कभार ही करते हैं वरना हम हमारा जो बेडरूम का है वही जो इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर अच्छे से मैंने पोछा भी लगा दिया है क्लीन कर दिया है तो ये लॉन्ड्री बास्केट है वो मैंने डिसाइड किया है कि यहाँ पर रखती हूँ मेरा बेटा जो यहाँ पर कपड़े उतार कर ऐसे ही फेंक देता है तो मैंने सोचा कि इसके रूम में ही रखती हूँ ताकि इसके अंदर वो कपड़े डाल दे तो बस ये वाला सूर एक है मैं बाहर की तरफ रखती हूँ जो रनिंग के जूते चप्पल है वो इसके अंदर मैं रख देती हूँ तो इसके अंदर से अच्छे से पानी निकल नहीं रहा था तो मैंने इसके ऊपर हर पिक लगा दिया है ताकि अच्छे से मैं इसको क्लीन कर दूँ साफ़ कर दूँ तो अच्छे से यहाँ पर पानी पूरा स्प्रे के साथ निकले तो बस क्लीनिंग मैंने कर दी है तो आप देख सकते अच्छे से पूरा जो निकल रहा है तो ये मैं पौधों में जो पानी डाल देती हूँ उसके बाद सारे पत्तों को ऐसे नहला देती हूँ इसी का है ये तो बस इसको भी मैंने क्लीन कर दिया है और ये नहाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं तो इसका हैंडल टूट गया है तो बस इसके अंदर मैंने पौधे उगा दिए हैं तो बस यहाँ पर विंडो है इसको मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी साफ कर दूंगी बहुत ही धूल मिट्टी जम गई है तो इसके ऊपर भी मैं अच्छे से क्लीनिंग कर दूंगी पोछा कर दूंगी सामने कांच के ग्लास है उसके ऊपर मैं इसी तरीके से अच्छे से सफाई कर दूंगी तो यहाँ पर जो चीज़ें थी सारी हटा दिए ताकि मैं यहाँ पर गमले रख सकूँ पौधे रख सकूँ तो अभी फिलहाल के लिए तो मेरे पास दो है वो मैं रख रही हूँ इसके बाद मैं और लाऊँगी तो आप देख सकते हैं हम नहाते हैं वो डिब्बा है तो इसका हैंडल टूट गया है रेड कलर का तो इसके अंदर मैंने इसे पौधा लगा यूज़ कर लिया है पानी डालने के बाद सारे पत्ते इसको मैं इसी तरीके से डेली स्प्रे कर देती हूँ सारे गमले इसी तरीके से फ्रेश हो जाते पौधे आप देख सकते हैं तो ऐसे ही छोटी छोटी चीज को हम वेस्ट समझते हैं तो अगर हम उपयोग कर सकते हैं कुछ दिमाग लगा सकते हैं तो फिर इसका उपयोग कर सकते हैं तो मैंने इसके अंदर जो फ्लावर पॉट बनाकर पौधा लगा दिया है तो देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है तो बस इसके बाद आ चुकी हूँ किचन में तो यहाँ पर पोटेटो है वो मैंने उबालने के लिए रख दिया है और आटा भी छान लिया है थोड़ा सा नमक डाला है थोड़ा सी कस्तूरी मेथी थोड़ा सा ऑयल और थोड़ी सी अजवाइन हाथ में मसल कर डाल दी है मैं उसका डो बना दूंगी तो आज बनाने आलू के पराठे तो हर बार मैं कुछ अलग अलग तरीके से आलू के पराठे बनाती हूँ तो बस आज कुछ इस तरीके से बना रही हूँ तो बस यहाँ पर जो आलू है वो भी उबालने के लिए रख दिया है तो आटा है उसको मैं ट्रांसफर कर दूँगी ताकि एक्स्ट्रा जो भी बर्तन है उसको मैं हाथ के हाथ वॉश कर सकूँ तो बस इसी तरीके से हम छोटी छोटी आदत हमारे में सुधार लेते हैं तो फिर हमारे पर काम का बर्डन भी नहीं रहता है और हमारा घर एंड किचन क्लीन रहता है तो ये कस्तूरी मेथी है इसको भी मैं ट्रांसफ़र कर दूंगी और जो बच जाएगी इसको मैं ऐसे ही रेप कर कर रख दूंगी इतनी मेथी बच गई है तो इसको मैंने दोनों साइड रबर बैंड लगा दिया है ताकि कोई भी इसके अंदर हवा ना जाए तो अच्छी फ्रेश रहे तो बस पहले मैं इसको इस्तेमाल कर लूँगी तो इसको रख देते हैं तो अभी भी मेरे पास समय है आधा खाना बन चुका है सिर्फ गर्मा गर्म, गर्म मेरा बेटा आएगा तब मैं एक पराठी उतारूँगी तो बस ये ड्रैगन फ्रूट है इसको मैं इस तरीके से जमा कर रखती हूँ तो जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं फेस पर मसाज कर देती हूँ तो आप चाहे तो इसको फेस पैक भी बोल सकते हैं तो बस ठंडा ठंडा मैं इसको इसी तरीके से मसाज कर देती हूँ और फिर टेन मिनट के लिए रख दूंगी तो अलग अलग मैं घर पर इस तरीके से होम रेमेडीज करती रहती हूँ तो बस इस तरीके से अपने लिए भी स्किन केयर करना ही चाहिए अपने लिए टाइम निकालना ही चाहिए जैसे हम घर को साफ़ सुथरा रखते हैं वैसे खुद की भी केयर करनी ही चाहिए तो बस टेन मिनट हो चुकी है तब तक मैंने थोड़ा सा मोबाइल देखा और टेन मिनट होने के बाद नॉर्मल वाटर से आपको फेस वॉश कर देना है तो बस यहाँ पर आपको सिर्फ पानी से ही धोना है फेस वॉश या साबुन नहीं लगाना है तो आप देख सकते हैं एकदम चेहरा ग्लोइंग शाइन सा आ जाता है तो मैं इस तरीके से होम रेमिडीज करती रहती हूँ तो बस यहाँ पर अपने लिए भी टाइम निकालना ही चाहिए तो यहाँ पर मेरे बाल है वो बना रही हूँ मैं तो कहीं पर भी भले ही जाना ना हो लेकिन हाउस वाइफ को घर में भी अच्छे से रहना चाहिए बिल्कुल भी अस्त व्यस्त नहीं रहना चाहिए साफ़ सुथरा ही रहना चाहिए तो बस यहाँ पर मैं भी रेडी हो चुकी हूँ और बस अचानक से यहाँ पर बारिश चालू हो गई है तो फटाफट से यहाँ पर मैं कपड़े उतार रही हूँ क्योंकि ज़्यादातर कपड़े सूख ही गए हैं बस दो जीन्स है वो ही थोड़ी गीली है तो फटाफट से मैं यहाँ पर जो कपड़े है वो उतारने लग गई हूँ तो बस ज़्यादा नहीं थी लेकिन सूखे हुए कपड़े तो गीले हो ही जाते तो फटाफट से मैं उतार रही थी तो मैं आपको दिखाती हूँ हल्की फुल्की बारिश चालू हो गई है तो आप देख सकते हैं जो फर्श गीला हो गया है तो दो जीन्स है वही थोड़ी ही गीली है ज़्यादा नहीं है तो बस ये कपड़े सूख गए तो इसको मैं अंदर रख देती हूँ तो दोपहर को तेल लगा दूंगी तो यहाँ पर पोटेटो है वो भी मैंने छील लिए है तो बस आलू पराठा बनाना है उसी की मैं तैयारी कर रही हूँ तो बस यहाँ पर तेल गर्म हो चुका है डाला है राई जीरा हल्दी हींग अच्छे से मैं उसको मिक्स कर दूंगी उसके बाद जो उबले हुए आलू है वो तो मैं तो डाल के बाद मसाला करेंगे यहाँ पर डाला है मैंने गरम मसाला धनिया का पाउडर लाल मिर्च का पाउडर तो इस तरीके से बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में आलू के पराठे थोड़ा सा डाला है नमक कस्तूरी मेथी इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी बस इसी तरीके से तेल में मैं थोड़ा फ्राई कर रही हूँ तो खाने में बहुत ही आलू के पराठे टेस्टी लगते हैं तो मेरे बेटे को बहुत ही पसंद है आलू के पराठे उसके फेवरेट है तो जब भी हम माँ बेटे अकेले होते हैं खाने में तो वही बोलता है कि आलू के पराठे बना दो तो बस टफिंग है उसको मैं निकाल दूंगी ताकि ठंडा हो जाए फिर गर्मा गर्म होता है तो अच्छा नहीं होता है पराठा तो बस यहाँ पर स्टफिंग को भी निकाल दिया है और ये मेरा बेटा खा रहा था तो मुझे भी दे रहा था तो लेकिन उसको देखकर मुझे लगा कि जैसे यूट्यूब में जो डॉलर का साइन होता है इस तरीके से जो था इसके अंदर एस एस लिखा हुआ था तो जैसे मैं उसको बोल रही थी कि डॉलर है इस तरीके से साइन है तो बस वही मैं यहाँ पर उसको बता रही थी तो यहाँ पर जो दो रोटी मैंने बेल ली है तो स्टफिंग भी रेडी है तो एक रोटी के ऊपर मैं स्टफिंग लगा देती हूँ उसके बाद मेरे पास जो स्लाइस वाला चीज़ है वो मैं लगा रही हूँ जो मेरे पास क्यूब वाला होता है तो मैं इसको ग्रेट कर लेती हूँ तो बस इसके ऊपर दूसरी रोटी ढक दी है तो बस हल्का सा मैं उसको बेल लूँगी और गोल्डन ब्राउन हो तब तक उसको मैं सेक लूँगी तो बहुत ही चीज़ी एंड क्रीमी बनता है ये पराठा अगर आप चाहे तो आपके बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं तो लंच बॉक्स रेसिपी भी आप बोल सकते हैं इसको तो बहुत ही टेस्टी लगता है तो मैं आपको खोल कर भी दिखाती हूँ एकदम चीज़ मेल्ट हो चुका है तो बच्चों को तो बहुत ही पसंद होता है तो आप चाहे तो नाश्ते में भी दे सकते हैं इसकी जगह आप पराठे में पनीर डाल सकते और भी जो आपके बच्चों को पसंद है वो आप डाल सकते हैं तो बस यहाँ पर और पराठा पराठे वो भी मैं गर्मा गर्म बना रही हूँ तो सारे पराठे को मैंने बना दिए लास्ट में एक ही पराठा यहाँ पर बच्चा है तो बस साइड में यहाँ पर मेरे हस्बैंड का जो फास्ट है तो उसके लिए जो वेफर्स है वो तल रही हूँ और यहाँ पर जो कच्ची मूंगफली उसको मैं भूनने के लिए रख दूंगी तो बस इसी तरीके से मल्टीटास्किंग कर, कर कर काम हो रहा है एक साइड पराठा एक साइड वेफर्स एक साइड मूँगफली तो बस इस तरीके से घर का काम चल रहा है तो बस इसी तरीके से मैं पूरा घर के काम को मैनेज करती हूँ फुल स्पीड में फुल एनर्जी में करती हूँ ताकि मेरा घर हमेशा वेल सेट ऑर्गेनाइज दिखे तो बस यहाँ पर वेफर से वो भी हो चुकी है तो इसको मेरे हसबैंड को दे देती हूँ और मैं भी खाना खा लूँगी क्योंकि अब एक पराठा ही बाकी है तो इसी तरीके से मैं घर के काम को मैनेज करती हूँ तो आज मैंने आप लोगों के साथ मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन शेयर किया है तो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना और मेरा जो पराठा है इसके अंदर मैंने चीज़ नहीं डाला है सिंपल ही रखा है तो साथ में दही चटनी अचार तो बस टेस्ट करते कि कैसा बना है पराठा तो बहुत बहुत ही टेस्टी बना है ये वाला पराठा तो ये था आज का छोटा सा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना थोड़ा सा भी पसंद आया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं दूसरे वीडियो में तब तक के लिए बाय